हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबकी जो है ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग सुनाएं, कैसे गुजरे आप लोगों के दिन? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे सबके। और अल्लाह पाक बस हमारे वालदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली और लंबी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि आज जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसकी बेटी हुई है माशाल्लाह से। तो हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, तो ये रास्ते की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बना ली थी कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बहुत खुश थे हम लोग के माशाल्लाह से, बहुत प्यारी थी, घर में थे हम लोग तो मैं पिक्स में लगी थी, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सिस्टर जो है उसका सी सेक्शन हुआ है तो हॉस्पिटल में थी, तो हम लोग बस हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं। तो बहुत वो हो रहा था कि फ़ौरन से जा के देखें अपनी बहन जी को, तो बस हम लोग अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे तो ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो दूसरी जो सिस्टर थी छोटी वाली वो भी आ गई थी और जो उससे बढ़िया वो भी आ गई थी। तो ये हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, मोहम्मद इब्राहिम भी मेरे साथ था और हम लोग ये लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे थी। तो नीचे फिर ये बहनोई वगैरह खड़े थे, उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे सारे थे, तो उनके घर वाले सब, तो फिर उनको भी सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। और सबको फिर मुबारकबाद देने के बाद हम लोग वार्ड में चले गए। तो ये हम लोग वार्ड में आ गए हैं। तो ये माशाल्लाह से बहन जी और बहुत प्यारी थी, बच्चियाँ माशाल्लाह से होती बहुत नाजुक सी और बहुत प्यारी सी हैं बेटियाँ। बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद फिर मिठाई बांटी थी सबको वार्ड में भी, और जो मेहमान वगैरह आए हुए थे उनको भी सबको। तो ये माशाल्लाह से जो मेरी सिस्टर है उसकी पहली बेटी है, तो सब लोग ये मिठाई वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे और ये हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे थे साथ में। और फिर ये इसको फर्स्ट जो है वैक्सीन लगानी थी तो वो लगाने गए थे, तो ये डॉक्टर उसको वैक्सीन लगा था। बच्चों को बहुत छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे को ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगने से बहुत तकलीफ़ होती है, तो ये इसको इंजेक्शन लग रहा था। ये नेक्स्ट डे का लॉग था। तो फिर सुबह हम लोग वहाँ से वापस आए तो घर आके हम लोगों ने आते हुए चने लिए थे, और आते आते तो देर हो गई थी, तकरीबन दिन का टाइम था, तो फिर आते हुए चने लिए थे साथ में नान लिए और ये उनका रायता। ये हम लोगों ने इधर इस्लामाबाद से फूड कॉर्नर से लिए थे, तो इसके चने जो है बहुत मज़े के होते हैं, और साथ में सैलड था और रायता और साथ में नान, तो फिर हम लोगों ने वो इन्जॉय किए और बहुत मज़े के थे। और वहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे हो के बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस फिर घर आए हम लोगों ने, ये खाना वगैरह खाया और उसके बाद चाय वगैरह पी है।
और सब लोग बहुत खुश थे। काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ गए थे हॉस्पिटल में, इतने सारे लोग जमा हो गए थे, उसके ससुराल वालों की तरफ से भी सब, और इधर से हम लोग भी सारे चले गए थे, और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट सारे इकट्ठे हो गए थे। तो फिर इसलिए बस रश हो गया था, फिर हम लोग आ गए। और ये खाना वगैरह खाने के बाद मोहम्मद इब्राहिम को मैंने फ्राइज़ बना के दी, और मोहम्मद इब्राहिम फ्राइज़ इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी लगी हुई थी भूख। मैंने आके इसको चेंज किया और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राइज़ बना के दी और ये फ्राइज़ इंजॉय कर। और आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग एंड करती हूँ। इतना सा ब्लॉग मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।